भाजपा प्रदेश महामंत्री राजू मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस के आरोप निराधार और झूठे हैं। अपराधों को लेकर भाजपा सरकार में प्रशासन और शासन की नियति ठीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में तो एक भी FIR दर्ज नहीं हुई थी। मालवीय ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं कि इस सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वे अपराधी कातिल है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस के आरोप निहायत झूठे हैं। अपराध कल भी हुए थे, आज भी हैं और कल भी होंगे, लेकिन अपराधों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रशासन और शासन की नियत, कि अगर अपराध हुआ है तो कार्रवाई हुई है अथवा नहीं हुई है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वे जरा अपने गिरेबान में तो झांके। जब उनका शासन था तब घटनाएं होती थी तो FIR करने के लिए धरने और आंदोलन करने पड़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं कोई चीज ऐसी नजर में आती है, होती है, तो तत्काल उसमें FIR होती है, कार्रवाई होती है, चालान पटप करने के लिए फास्ट निर्देश दिए हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होता है। मैं मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि यदि कोई अपराध होगा तो उसकी FIR नहीं होगी तो आपको संख्या कम दिखेगी, और यदि FIR होती है तो संख्या बढ़ी हुई दिखती है। मेरा ये मानना है कि आंकड़ों की बाजीगिरी में जाने के बजाय ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का कृत्य हुआ है तो उस पर समुचित कार्यवाही समय पर हो रही है या नहीं हो रही, और वो हो रही है तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट।